हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग लाइफ इन सोबी। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज है संडे और इस वक्त टाइम हो रहा है पूरा 12। और आज मैंने जल्दी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि आज हमने जाना है अपनी पप्पो की तरफ। तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सारा कुछ दिखाऊँ। और वहाँ पर हमारी दावत है तो हम अपनी पप्पो के घर जा रहे हैं और अभी सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, जिस इसलिए हम 10 बजे उठ गए थे। फिर आपको पता काम वगैरह करते 2-3 घंटे लग ही जाते हैं, वैसे हमारे इतना लंबा काम तो नहीं है। और बस जल्दी से काम करेंगे और फिर तैयार वगैरह होंगे। जिस हम तैयार वगैरह होंगे अपने घर का काम पहले मैं आपको दिखाऊंगी सारा, और उसके साथ साथ फिर आप हमारे बने रहे, आपको सारा कुछ दिखाते जाते हैं। गाइस, घर का जो है सारा काम वगैरह सफाई वगैरह हो गई हैं और बस अभी हम जो है तैयारियाँ करने लगे हैं, कपड़े वगैरह पहनने लगे हैं। और एक बच्चा तैयार हो गया, सैन तैयार हो गया। दिखाएं कपड़े आपने कौन से पहने, पीछे हो गए तो ये सैन ने पहने। सो गाइस, हम तैयार होकर निकल गए थे तो मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप शूट किया था। और ये फिर हम पहुँच गए थे उधर और हम बैठ गए थे। तो जी ये था पहला पिज़्ज़ा और ये फिर मैंने अपनी प्लेट में डाला था और ये मैं टेस्ट करने लगी थी। पिज़्ज़ा इतने मज़े का था, इतना चीज़ी पिज़्ज़े था और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा था। तो इसके बाद जो है ये फ्राइज़ थे, ओपा के फ्राइज़ थे और ये भी बहुत मज़े के थे। इसके साथ ये था होममेड गोश्त, ये भी बहुत क्रिस्पी था, बहुत ही मज़े का था। और ये मैंने थोड़े से क्लिप शूट किए थे कटिंग के और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें किस तरह चीज़ जो है बाहर आ रही है, मेल्ट हो रही है। और उसके बाद पहला पिज़्ज़ा मैंने खा लिया था, फिर ये दूसरा पिज़्ज़ा आया था और ये फिर इसके बाद तीसरा पिज़्ज़ा था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और ये भी स्लाइसेस काट रहे थे और ये गरम गरम आया था। चीज़ देखें ज़रा इसकी, फुल चीज़ी पिज़्ज़ा था, बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा था। ये देखें ज़रा, तो ये हम सब मिलके जो है खाना खा रहे थे, सबको दे रहे थे डाल डाल के। उसके बाद ये हमने खाया मैकरेबिया। तो ये कढ़ाई का मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया था और ये कढ़ाई पकी थी और बहुत ही मज़े की कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी। ये देसी मुर्गे की कढ़ाई थी और ये रोटियां भी कितनी माशाल्लाह कितनी अच्छी क्रिस्पी रोटियां। और